हाँ। जी आज आपकी जीत हुई है, किस तरीके देख रहे हैं और क्या आगे रहेगा लोकसभा में? पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के मीडिया बंधुओं ने हमारा बहुत साथ दिया और यहाँ की सम्मानित जनता ने श्रद्धे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ की जनता ने मुझे जिताया है। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के लिए उन्होंने जिताया है और यहाँ के लोकतंत्र के बचाने के लिए जिताया है और यहाँ के हमारे सभी समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित जनता, सम्मानित नेता, सम्मानित हमारे कार्यकर्ता, सभी लोगों ने मुझे जो ऐतिहासिक जीत दिलाई है, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इटावा लोकसभा के जो मुद्दे हैं विकास को लेकर, उसको किस तरीके से सारे मुद्दे पूरे होंगे जो 10 साल में भाजपा ने जो काम नहीं किया है, मैं उसको मैं करके दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी ने इटावा में आकर जनसभा की थी तीनों लोकसभा सीटों को लेकर, और तीनों लोकसभा सीटों पर जो परिणाम आए हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहीं बहुत जगह की है और सारे बड़े बड़े नेताओं ने, दिग्गजों ने इटावा में आकर के किए हैं, लेकिन यहाँ की सम्मानित जनता ने PDO को वोट दिया है, इंडिया गठबंधन को वोट दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर वोट दिया है, तो इसलिए यहाँ की इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ की सम्मानित जनता ने जो भाजपा के लोगों ने झूठ का वादा किया था, उस झूठ को नकारते हुए समाजवादी पार्टी को जिताया। आपने मतगणना से पहले प्रशासन से अपील की थी, तो किस तरीके का प्रशासन का साथ देखने? प्रशासन ने हमारा पूरा साथ दिया और मैं इटावा लोकसभा के जितने भी हमारे कर्मचारी हों, पुलिसकर्मी हों, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों ने हमारा पूरा साथ दिया।